नवभारत नवराष्ट्र के इस महाकॉन्क्लेव में पधारे आप सभी का स्वागत है। मैं मंच पर आसीन ढाकने जी और हमारे आयुक्त महोदय का स्वागत करता हूं। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि कैसे संतुलन बनाते हैं आप, ये विकास को और पर्यावरण को समान रूप से रखने में कैसा संतुलन, हाउ डू यू बैलेंस इट बोथ द थिंग्स। देखिए कि किसी भी तरह का विकास अगर होना है, बीट इंडस्ट्री बीट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो विकास करते समय प्रदूषण तो होगा ही, विदाउट प्रदूषण नहीं हो सकता। बट हम लोग ये चाहते हैं कि वो कम कैसे किया जाए, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए। अभी जैसे पिछले 4-5 सालों में मुंबई में हमेशा पर्टिकुलर विंटर्स में मुंबई हो या पुणे हो, पर्टिकुलरली एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई में। आई एम टॉकिंग अबाउट MMR एट सच। तो क्यों है? क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने रिडेवलपमेंट चल रहा है, इतने नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, मेट्रोज का काम चल रहा है, तो डस्ट तो आएगा ही, मेजर डस्ट ही। अभी मुंबई में तो मिल्स वगैरह तो रही नहीं, अभी तो 2-4 इंडस्ट्री है बस, RCF और उधर टाटा पावर वगैरह, बाकी तो कुछ इशू नहीं है। हम एक्चुअली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहाँ पे भी होगा, कोई भी देश में कोई भी बोर्ड हो, तो बेसिक जो एयर और वाटर पोल्यूशन देखा जाता है। अभी तो बहुत अलग अलग, अभी वायु प्रदूषण के सिवा ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बड़ा है। इसका भी एक अलग से प्रदूषण हुआ है। नासिक में केस हुई थी कि कुछ लेजर टाइप गया और किसी के आंखों में प्रॉब्लम हो गया, फिर पुलिस केस वगैरह हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो, एनी ह्यूमन एक्टिविटी, तो एवरी इंडिविजुअल एवरी ह्यूमन बीइंग शुड टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आज नहीं करोगे तो कल क्या होगा? मैं भी किसी से बात कर रहा था, आपके वो मैडम से, चंद्रन मैडम से, कि मैंने खुद कितनी बार नदी से डायरेक्टली पानी पिया हुआ है। वहाँ पे वो झरने बनाते थे हम नदी में और उससे पानी पीते थे, आप में से कई लोगों ने पिया होगा। आज क्यों नहीं पी सकते आप? व्हाट हैज चेंज? क्योंकि डेवलपमेंट हुआ, उस हिसाब से हमने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो कम कर दिए। अभी जैसे आप टेम्परेचर की बात करते हो, इस बार जो गर्मी देखी और जो 52 कहाँ पे चला गया, और महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में, या तो फिर हम ये देखते हैं कि बारिश का पैटर्न बदल गया, कभी बहुत ज़्यादा आता है, कभी बहुत बड़ा ड्राई स्पेल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रिएक्शन। दूसरा अगर आप देखेंगे, हम लोग तो सोचते हैं कि गटर में जो चाहिए वो डाल देते हैं, फिर वो जाता है समुंदर में, बट समुंदर जो है वो अपने पेट में कुछ नहीं रखता है, वापस आपको भेजता है, बैच के सहित मिलता है। तो इसलिए हम जो भी डेवलपमेंट करेंगे वो डेवलपमेंट नियंत्रित होना चाहिए। डेवलपमेंट करना नहीं ऐसे नहीं, डेवलपमेंट तो करना ही है, क्योंकि अभी आपके वो जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे उन्होंने बताया महाराष्ट्र नंबर वन है, हम हमेशा इंडस्ट्री हो, FDI हो, कुछ भी हो, सालों से या इवन प्री इंडिपेंडेंस महाराष्ट्र में बहुत क्रांतिकारी रहे, समाज सुधारक रहे, विचारक रहे, बहुत इसकी परंपरा है। बट ये जब हम हमारी जो प्राउड मोमेंट्स है उसको आगे चल के महाराष्ट्र इसमें भी आगे ही होना चाहिए, कि हम कोई मॉडल बना के कि नहीं, यहाँ पे पर्यावरण को भी उतना अच्छा देखा जाएगा, हम अपनी नदियाँ साफ करेंगे, हम जो सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर करेंगे। हो रहा है, इट इज़ नॉट दैट कि आप 5-10 साल पहले जो था उससे आज बहुत अच्छा है। मैं ये सोचता हूँ, जो भाई साहब ने बताया 2030, तो आई एम क्वाइट श्योर कि 2030 में पर्टिकुलरली एनवायरमेंट के बारे में हम बहुत अच्छे एक लेवल पे रहेंगे, इतना मुझे उम्मीद है। माझा प्रश्न आता मंगेशजी तुमच्यासाठी आहे। आपण एका मोठ्या शहराची जबाबदारी सध्या सांभाळतात, पनवेलची, जे खूप मोठ्या वेगानं विकसित होणारं पण शहर आहे, तर आपण या नागरी समस्या ज्या आता सगळ्या भेडसावत आहेत जनतेला समाजाला, त्याच्याकडे आपण कसं बघता, आपण ह्याच्यामध्ये काय प्रकारचं उत्तर आपण शोधू शकतो? नमस्कार। पनवेल महानगरपालिका ही 2016 आता जस्ट स्थापन झालेली आहे। तसं आता प्रश्न असा झाला की नागरी भागापुढे कोणकोणते प्रश्न आहेत, आपण उलट्या पद्धतीने जाऊया। नागरी भाग नक्की काय करतो? फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, म्हणजे जन्मापासून
तर ते मृत्यूपर्यंत जे जे लागतं ते ते नागरी प्रशासन आपण पुरवत असतो. आता हे पुरवताना प्रत्येक स्टेजवरती आपल्याला काही कर्तव्य पण आहेत, त्या दृष्टीने सोयीसुविधा आपल्याला उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत त्या. मग आता जर का म्हटलं आपण बर्थ म्हटल्यानंतर माता जन्म त्यांच्या सोयीसुविधा, माता माता जनन अधिक बालक विकास ते आलं, पुन्हा प्राथमिक शिक्षण आलं, प्राथमिक आरोग्य आलं, त्याच्यापुढचं शिक्षण आहे माध्यमिक शिक्षण आलं, उच्च शिक्षण आलं, याच्यापुढे रोजगार निर्मिती आली, आणि रोजगार निर्मितीनंतर त्यानुषंगाने जे जे काही ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या आपल्याला डेव्हलपमेंट करून द्यायच्या आहेत. तर कुठल्याही शहराला सस्टेन होण्यासाठी एका आर्थिक गोष्टीची किंवा आर्थिक उद्योगाची किंवा एखाद्या आर्थिक व्यवसायाची गरज असते. त्या अनुषंगाने वेगवेगळे उद्योग असतात, व्यापार असतो, सगळा सेटअप होतो. मग व्यापाराच्या अनुषंगाने असलेली वेगवेगळ्या प्रकारची आपल्याकडे जी ट्रान्सपोर्टेशनची मीन्स ऑफ हे आपल्याकडे आली. आता पनवेलच्या बाजूलाच म्हटलं तुम्ही, आता नवीनच इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आलेला आहे. एअरपोर्ट अधिक आता आपल्याकडे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर झालेला आहे. न्हावाशेवा पण इथपासून तर ते वसईपर्यंत हा जो आपला पुढचा नवीन रेल्वेचा प्रकल्प होतो आहे तो आहे. पनवेल कर्जत रेल्वेचा दुसरा आपला टप्पा त्या ठिकाणी चालू होत आहे. या सगळ्या गोष्टी जर का बघितल्या आपण तर ह्याच्यापासून होणारं पोल्युशन होणार आहे, त्याच्यापासून वेगवेगळ्या ज्या काही समस्या येणार आहेत या समस्यांना उत्तर देणं पण अपेक्षित आहे. त्यासाठी काय केलं गेलं पाहिजे तर तुझं आहे तुझंपाशी हा जो आपल्याला दिलेला जो वसा आहे तोच आपण सांभाळला पाहिजे. तर प्रश्न अनेक आहेत पण त्या प्रश्नावर जर का उत्तर आपल्याला हे करायचं असेल तर आपल्यापाशी जे आहे ते जतन करायचं आहे, ते जास्तीत जास्त एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली पण कसं करता येईल ह्या अनुषंगाने बघायचं आहे. नागरीकरणाचे अनेक प्रश्न आहेत, म्हणजे एन्व्हायरमेंटल प्रश्न आहेत, सामाजिक प्रश्न आहेत, आर्थिक प्रश्न आहेत, त्या त्या गोष्टीवरती एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली आपल्याला सोल्युशन्स काढायला लागतील त्यामध्ये. मग फॉर एक्झाम्पल एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीमध्ये जर का असेल तर त्या दृष्टीने काय करता येईल आपल्याला. जसं आता आपण महानगरपालिकेने आम्ही आता एक फार मोठी एन्व्हायरमेंटची ट्री प्लांटेशनची मोहीम आम्ही घेतो आहे, जेणेकरून हे जे काही पोल्युशन होतं आहे. आता पनवेल महानगरपालिका एरियामध्ये आमच्याकडे तळोजा एम आय डी सी आहे, बाजूला पाताळगंग आहे, त्या ठिकाणचं असलेलं पोल्युशन होतं आहे. मग ते कसं सस्टेन करता येईल त्यासाठी, तर आमचं जे आता ट्री प्लांटेशनचं कव्हरेज आहे ते आम्ही आता मोठ्या प्रमाणात वाढवतो आहे, जनतेचा सहभाग त्याच्यामध्ये घेत आहोत. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या समस्यांवरती नागरिकांशी आपण संवाद साधतो आहे, त्यांचं आपण त्याच्यामध्ये प्रोटेक्शन घेत आहोत, त्यामध्ये सहभाग घेतो आहे. कारण कुठली जी चळवळ असते ही नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, अशा प्रकारे आपण त्याच्याकडे बघतो आहोत. अर्बन पॉवर्टी हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मग आपल्याकडे जे रिसोर्सेस आहेत त्याचा प्रॉपरली वापर कसा करता येईल त्याच्या अनुषंगाने आम्ही कार्यरत आहोत. आता हे जे आमच्याकडे आता नवीन ट्रान्सपोर्टेशनचे मीन्स ऑफ मीडिया आमच्याकडे येतात, आता एअरपोर्ट समजा येतं तर एअरपोर्टसाठी लॉजिस्टिक आम्हाला द्यायचं आहे, तर लॉजिस्टिकच्या माध्यमातून लोकांचं ग्राउंड ड्युटीज त्या ठिकाणी स्टाफ आहे त्यांना आम्ही रोजगार कशाप्रकारे देऊ शकतो, पुन्हा प्रायव्हेट ट्रान्सपोर्टेशन कशाप्रकारे करू शकतो, ट्रान्सपोर्टेशन कसं देऊ शकतो, त्यासाठी रोजगार निर्मिती कशी होईल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारे आम्ही हे वेगवेगळे आमचे जे काही प्रश्न आहेत ते आम्ही सोल्युशनकडे आम्ही चाललेलो आहोत. हम ये ऐसा रिवर्स माइग्रेशन जैसा नहीं होता की जैसा रिवर्स माइग्रेशन होता है वैसा हम क्यों नहीं करते कि जो हमारे गांव खेड़े पुराने ये साफ है, स्वच्छ है, पर्यावरण पूरक है, अभी भी वहाँ की हवा खराब नहीं हुई है. अभी जो एक लाइफ मिशन करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है जिसमें यही बात कही गई है कि हम अपने जो मूल तत्व है उसी को ही यूज करें, मीन्स जो पर्यावरण पूरक जीवन शैली जिसको बोला जाएगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और उसमें कुछ ये दिया हुआ है. तो हम जैसे गांव में रहते थे ना, गांव में कम से कम मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट होती है. मैं भी एक मुंबई के एजुकेशन के एक ऐसे सेमिनार में गया था तो मैंने पूछा कि अभी ऐसा कोई आदमी है कि जिसके पास सिर्फ दो ड्रेस है, तो कोई नहीं मिला. फिर तीन चार पाँच करते गया, पाँच वाला एक मिला. बट अभी बहुत दूर नहीं, यहाँ से आप खुद ही अपने से पता करो कि मेरे पास 20 साल पहले कितना था, मेरे गांव में भी किसी के पास कितना था, दो पाँच. आज हम इतना ज़्यादा रख रहे हैं जो ज़रूरत नहीं है वो सब लेके रख रहे हैं, तो हम दूसरों का नहीं सोचते हैं. तो इशू इज कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा विचार है वो बहुत अच्छा है, मगर ग्रीड जो है वो सब खा जाती है. अभी इंडस्ट्री में भी पोल्यूशन होता है या कहाँ होता है, या हम तो इनको भी रेगुलेट करते हैं, कॉरपोरेशंस को भी एसटीपी चलाओ, सॉलिड वेस्ट का एक करो नहीं करेंगे हम, इन लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन करते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे है तो
वहाँ पे जाएंगे तो खुद को ये करना पड़ेगा। बट ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम है कि मैं एसटीपी नहीं चलाऊंगा, मैं ईटीपी नहीं चलाऊंगा, मैं हैजार्डस वेस्ट बाहर डाल दूंगा तो मेरा इतना पैसा बचेगा, ये पैसा मैं एक रुपया बचाने के लिए समाज का, मैं एज ए सोसाइटी मैं 10 रुपये का 100 रुपये का नुकसान करता हूँ, ये उसके दिमाग में जो है, जो आपने सही बोला कि ये विचार बदलने की जरूरत है। और हमारे जो ओरिजिनल विचार है, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म ये है कि मेरे कोई भी एक्टिविटी से, मेरे वर्तन से कोई भी नाराज नहीं हो, किसी को भी हर्ट नहीं हो, ये मेरा धर्म होना चाहिए। वही हमको पुरखों ने सिखाया है, बस उतना सफिशियंट है। आप नेचुरल जियो, आप अननेचुरल जियोगे तो जल्दी मरोगे, ये भी बताया है, फिर भी लोग अननेचुरल जी रहे। वो मराठी में कहा हुआ थे, अंतरुण पाहून पाय पसराय छे, परंतु आता तो अंतरुणच पाहायला तयार नाही, फक्त पाय पसरतोय एवरीबडी। हम उसका एक्सेप्शन नहीं है। तो हर आदमी ने अपना ये सोचना चाहिए कि मैं, मुझे जो नेचर ने दिया है उससे ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं जितना ज़्यादा लूँगा उतना हमें उसका जो रिपल्शन है उतना ही आने वाला है। तो आवर लाइफस्टाइल हैज़ टू बी इन कंसोनेंस विथ, जो इन सिंक विथ द एनवायरमेंट, उसको हानि अभी मत और ज़्यादा वो सह नहीं पाएगा तो फिर वो अपना रौद्र रूप जो होता है वो दिखाएगा। कई बार आपको लगता है कि ये जो महानगर पालिकाओं को हमने पोल्यूशन कंट्रोल की एक जिम्मेदारी दी है जो उनके लिए सबसे लीस्ट प्रायोरिटी की जिम्मेदारी होती है, तो क्या ये कॉरपोरेशन जैसी स्ट्रेटजरी एक स्वायत्त एंड ऑटोनोमस उससे हटाकर, या उनको ही कुछ ऐसा बता करके भैया ये नहीं करोगे तो अगली बार 1 रुपया नहीं मिलेगा डेवलपमेंट के लिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है? देखिए शहरों के तरफ तो ध्यान ही पोल्यूशन कंट्रोल, अभी हम तो वही कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलरली MMR में हम जैसे भी एयर पोल्यूशन का मुंबई में इशू है तो हम उसको MMR करके देख रहे हैं। हम सिर्फ मुंबई नहीं देख रहे हैं, हम वसई विरार से लेके पनवेल अमरनाथ ये सब एरिया देख के इसका एयर शेड जो बना है उसमें कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर पनवेल में प्रदूषण हुआ तो मुंबई पर असर होगा, मुंबई में हुआ तो भिवंडी में होगा, भिवंडी का डोंबिवली में होगा या वसई में होगा, ये पॉसिबल है क्योंकि हवा तो जो जैसे जाती है वैसे वो प्रदूषण होता है और हमको दिखता है जैसे धुआं दिखा वो ज़्यादा प्रदूषण है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ होता है, अभी तो सब मैं बताऊंगा नहीं आपको बट वो आप बता सकते हैं नहीं थोड़ा सा उससे हम कुछ महानगर पालिकाओं को ठीक कर पाए इश्यू है। नहीं 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 बिल्कुल है, क्योंकि आप लोग क्या चाहते हैं, महानगर पालिका से पहले चाहते हैं आप पानी, आप वेस्ट वाटर की के लिए पूछोगे नहीं महानगर पालिका को, आप पहले पानी पूछोगे, आप पहले रोड पूछोगे, तो आप जो मांगोगे वही देगी ना, लोगों की जो डिमांड है वही महानगर पालिका देगी। मैंने भी म्यूनसिपल कमिश्नर करके काम किया, मुझे पता है कि लोगों की डिमांड क्या होती है। ये जब स्मार्ट सिटी का सर्वे हुआ था तब लोगों को पूछा गया था कि कौन से शहर में क्या चाहिए आपको, तो बहुत सारे लोगों का पहले इसमें तो पानी था, तो स्वच्छता बाद में आएगी। तो प्रायोरिटी के हिसाब से और रिसोर्सेज के हिसाब से करना चाहिए, एक दिन में तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट ऑफ लेट लोगों का भी पता चल गया और हम एज ए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी जिम्मेदारी है। मैं अभी यही महीने में एक्चुअली बीच में कर नहीं पाया, बट कॉरपोरेशन के कमिश्नर, उनके पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स, उनको टेक्नोलॉजीज क्या है, आप कम पैसे में कैसे STP चला सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप बचा सकते हैं, सॉलिड वेस्ट में अलग अलग क्या है। कोई एक म्यूनसिपल, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सेग्रेट किया सॉलिड वेस्ट और किसी को दिया और वो O&M का भी पैसा उसको दे रहा है। मैंने बोला इसमें से तुमको पैसा मिलना चाहिए, इकोनॉमी जिसको बोला जा रहा है, हम भी काफ़ी कोशिश करें उसमें भी। मैं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र सर्कुलर इकोनॉमी भी नंबर 1 है और कितने टाइप के आप सोच नहीं सकते, इतने टाइप के रीयूज रिसाइकल किया जाता है, उसका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, एक बुकलेट बना रहा हूँ, आपको भी हम बताएंगे उसके बारे में। लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों तक जा सकते हैं। मैं बुक छपवाऊंगा 1000-2000 लोगों के पास जाएगा, बट आपके माध्यम से वो शायद लाखों लोगों के पास जाएगा, ये हमारी कोशिश है। और हम जल्दी ही सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लोगों को टेक्नोलॉजीज क्या है मार्केट में, क्योंकि इनके पास हर आदमी नहीं जाएगा, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट से हमेशा हमारा डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में। तो कोशिश करेंगे कि
इनके भी प्रायोरिटी में हमारा नंबर थोड़ा सा ऊपर चला जाए, हम जरूर कोशिश करेंगे। को मैं अभी पिंपरी चिंचवड़ में गया था, वहाँ पे बायो माइनिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और मुझे खुशी है बताने के लिए कि अभी उसमें से जो बायो माइनिंग करने के बाद RDF निकलेगा वो हमारे पास सफिशेंट सीमेंट फैक्ट्रीज है, उसको वो फ्यूल में ऐड कर पाएंगे। हम काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जो हैजार्डस वेस्ट कंपनी से निकलता है, केमिकल वगैरह कंपनी से, टेक्सटाइल से, तो उसको भी जो सीमेंट प्लांट में अभी यूज़ करते हैं RDF को, तो ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शुरुआत होने की ज़रूरत होती है। अभी आपको ये इसके आगे बहुत कम डंपिंग यार्ड देखेंगे। आज भी अभी मुझे पनवेल का पता नहीं, क्योंकि हर महानगर पालिका के इतना याद नहीं मुझे, बट हर एक अपनी कोशिश कर रहा है कि मैं वेस्ट से जो ये बनता है, मैन्योर बनता है, वो कैसे बनो, उसका जो डंप यार्ड है वो कैसे कम करो, और जो पुराने हैं आपको आप जिसकी बात कर रहे हो उसको कम करने के लिए सरकार ने भी स्वच्छ भारत मिशन में भी पैसा दिया इनको, और बायोमाइनिंग करके उसको कम करने की बिल्कुल कोशिश है। और कुछ कुछ महानगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जैसे मैंने जो देखा, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली सोलापुर में तो पिछले 15 साल से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है। हाँ, मैं जब कमिश्नर था तब बंद था, फिर मैंने वो वापस शुरू किया। 4 मेगावाट का प्लांट है वो, जब हाँ देश में बहुत कम लोगों के पास था। सोलापुर जैसे शहर में कोई विजनरी कमिश्नर होगा, तब मैंने नहीं बनाया, कोई पहले था उसने बनाया था, और अनफॉर्चुनेटली बीच में कुछ बंद था। अभी भी 2-4 जगह पे शुरू है, मुंबई में भी शुरू होने जा रहा है, हमने कंसेंट दिया उसको, और बाकी भी महानगर पालिका करें। बट अभी पिंपरी चिंचवड़ में मैंने जो देखा है बहुत अच्छा काम चल रहा है आज, और बाकी लोगों ने भी लेना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। सर मुझे ऐड करना है इसके बारे में, जिस तरह से कानून में प्रावधान हो गया है इसके हिसाब से अभी 25% ऑफ आवर बजट वी हैव टू स्पेंड ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर करना हमें अनिवार्य हो गया है। उसके हिसाब से अभी मैक्सिमम कॉरपोरेशंस में ये प्रायोरिटी के ऊपर मुद्दा है, ये प्रायोरिटी के ऊपर मुद्दा है, और उसके हिसाब से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि आपको वेस्ट टू एनर्जी के बारे में फोकस करना है, तो अभी मैक्सिमम जो MMR के जो कॉरपोरेशंस है वो इसके बारे में प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं वहाँ पे। अभी मैं इसके पहले KDMC में था, KDMC में वेस्ट टू एनर्जी में हम जा रहे हैं, पनवेल में भी हम वेस्ट टू एनर्जी के बारे में सिडको के सहयोग से वहाँ पर जा रहे हैं। सबके इसमें प्रॉब्लम वही होता है कि VGF का प्रॉब्लम होता है हमें। अभी KDMC के लिए हमें अम्स्टरडैम जो है गवर्नमेंट है उनका ग्रांट आने वाला है, KGF का ग्रांट आने वाला है, तो वहाँ पे वो पॉसिबल हो सकता है। पनवेल में हमें सिडको उसमें सहायता कर सकती है, लेकिन बाकी जो महानगर पालिका है इनको वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में VGF की रिक्वायरमेंट होगी, वो गवर्नमेंट से अगर मिले तो सर हमारे लिए बहुत अच्छी होगी बात होगी। तो मैंने सर को, मैं अविनाश ढाकने सर को ये पूछना चाह रहा हूँ कि MIDC का अपना वेस्ट है, सिटी का अपना सॉलिड वेस्ट है, कॉरपोरेशन बोलती कि मेरी लिमिट ये है, जिला परिषद बोलते हैं कि हमारी मर्यादा ये। सर मुझे लगता है कि क्या जो अनिकेत जी भी बोल रहे थे कि क्या हमको एक इंटीग्रेटेड, ये बहुत सीवियर इशू है सर, ये इसको अपन, जब आपने बताया सोलापुर का उदाहरण दिया, जैसा सर अभी बता रहे हैं कि 25% ये भी हो गया, तो क्या हमको एक कोई ड्राफ्ट रूल या एक कोई एक इसका कॉन्स्टिट्यूशन ही एक नया बनाकर इसको नहीं डील करना पड़ेगा, क्या लगता है? नहीं नहीं, नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं। अपने देश में 8,500 कानून ऑलरेडी है, और कानून अपने जगह पे कानून का काम करता है। हम लोगों का की जिम्मेदारी है कि हम उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। आपने बताया कोई उदाहरण, हर कमिश्नर कोशिश करता है कि मेरा शहर अच्छा हो, स्वच्छ हो। अभी स्वच्छ भारत अभियान में वो नंबर भी दिए जाते हैं, ग्रांट्स भी दिए जाते हैं। ये होता है कि जो वर्कर से काम करते हैं ना, वो सालों से उसी टाइप से काम करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, झुक के झाड़ू लगाओ या सीधा खड़ा रह के झाड़ू लगाओ, उसके पीठ में क्या होता है, आई मीन देर आर सो मेनी इश्यूज, मीन्स बहुत सिंपल नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर बाजार में जाते समय थैली लेके जाना चाहिए, प्लास्टिक का थैली नहीं लेना चाहिए, आई मीन देर आर सो मेनी थिंग। बट जो इंस्टीट्यूशनल चीज़ है, जैसे अभी आपने बताया, मैं कोशिश करूँगा अभी गाड़ी में बैठने के बाद, कि कोई भी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मीन्स एफ्लुएंट नेचुरल स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। अगर जहाँ पे जाता है वहाँ पे हम तुरंत एक्शन लेते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि एक दो जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम आया है, मुझे पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, बट हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे उसको सुधारा जाए।
अभी कुछ कोल्हापुर में प्रॉब्लम आया था, पुणे में एक जगह पे प्रॉब्लम आया था, नासिक में कुछ थोड़ा सा इशू है पुणे में, तो हम कोशिश करते हैं कि वो नहीं जाए, क्योंकि वो इंडस्ट्री इन्फ्लुएंट जहाँ पे पर्टिकुलरली हाँ नहीं जाना चाहिए नेचुरल स्ट्रीम में, उसके लिए वो पैसा खर्च करे, अगर पैसा खर्च करने में कुछ प्रॉब्लम है तो सरकार उसको मदद करेगी, सरकार में हम लोग भी मदद करेंगे, दो आई मीन वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, जैसे इचलकरंजी टाइप के जगह में जो महाराष्ट्र का मैनचेस्टर है, तो वहाँ पे कुछ इशू है तो सरकार वहाँ पे बिल्कुल ये करती है, सीएम साहब ने मीटिंग लेके बताया नहीं इनको इनसे नहीं हो रहा है तो हम मदद करेंगे, बट अगर ऐसी कोई चीज़ है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी है। और आपने सही बताया कि ऐसे एफर्ट जो है वो इकट्ठा सोच के होने चाहिए, मैं नहीं ये अलग कर रहेगा मैं अलग करूँगा, तो सोचे समझे और इंटीग्रेटेड अप्रोच से होना चाहिए, बिल्कुल सहमत है आपसे, हम वही अभी कोशिश कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा लाके टेक्नोलॉजीज बता के इनको, इनके कमिश्नर्स हो, उनके डिप्टी कमिश्नर्स हो या पब्लिक हेल्थ इंजीनियर्स हो, उनको बताएंगे कि ये सब चीज़ें मार्केट में ऐसे किया जा सकता है, ये चीज़ आज भी कर रहे होंगे बट इनको पता नहीं कि और सस्ते में हो सकती है वो चीज़, तो इसी के लिए हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। और मैंने जैसे आपको बताया परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्शन तक पहुंचने में शायद और समय लगेगा, बट हमारा हमारे जो हम जो काम कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम वहाँ अंत तक पहुंचेंगे और विल गेट आई मीन प्रॉपर सक्सेस ऑन दैट।